हेलो फ्रेंड, मैं रेखा जैन। आज मैं आपको बताऊंगी कि गोबर के कंडे से आप आसानी से घर पर ही सरल तरीके से खाद किस तरह से तैयार कर सकते हैं। आपको कंडे या अवले लेना है, उनको आपको इस तरह से पानी में भिजो के रखना है एक या दो दिन के लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको टब लेना है और टब में आपको छेद कर लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, इन कंडों को आपको पानी से निकाल लेना है। इस तरह निकालने के बाद आपको क्या करना है, इनको आपको बारीक कर लेना है। इस तरह से आपको सभी कंडों को बारीक कर लेना है। बारीक करने के बाद इस तरह से आप सब कंडों को बारीक कर लेंगे। उसके बाद आपको लेना है मिट्टी, क्योंकि मिट्टी में माइक्रोब होते हैं जो खाद बनने की प्रोसेस को जल्दी शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से आपको इसमें मिट्टी लेना है, इसमें मिट्टी डाल देना है। मिट्टी डालने के बाद आपको इसमें थोड़ा डालना है बर्मी कंपोस्ट। बर्मी कंपोस्ट केंचुए की खाद होती है, ये भी आपके गोबर की खाद बनाने की प्रक्रिया को तेज कर देता है। तो इस तरह से आप इसमें थोड़ी सी बर्मी कंपोस्ट डाल देंगे। यदि आपके पास है तो डाल दें, नहीं हो तो कोई बात नहीं है। इस तरह से आप इसमें बर्मी कंपोस्ट ऐड कर देंगे। बर्मी कंपोस्ट डालने के बाद आप इसमें डालेंगे दही। आपके पास दही हो या छाछ हो वो आप इसमें डाल देंगी। इस तरह से इस तरह से डालने के बाद आपको इसको मिक्स कर देना है अच्छी तरह से। मिक्स करने के बाद आपको इसका ही पानी थोड़ा सा जो अपने लिक्विड रहे गोबर के कंडे का वो भी आप इसमें थोड़ा सा मिला देंगे, जिससे ये थोड़ा गीला हो जाए। इतना करने के बाद आपको इसको एक महीने के लिए ढक के रख देना है और हर तीसरे दिन तीसरे चौथे दिन आपको इसको चलाते रहना है। तो एक महीने बाद आपकी बढ़िया गोबर की खाद घर की तैयार हो जाएगी आसान तरीके से। तो इस तरह से आप भी कंडे के उबले से अपने घर पर आसानी से खाद तैयार कर सकते हैं। और ये सभी पौधों के लिए दे सकते हैं आप, सब्जी वाले पौधों में, फूल वाले पौधों में और फ्रूट प्लांट वाले पौधों में, सभी तरह के पौधों में आप इस खाद को दे सकते हैं। और जिस जो अपन ने लिक्विड बनाया है उस लिक्विड को भी आप अपने सभी प्रकार के पौधों में दे सकते हैं। तो आपको क्या करना है, एक लीटर इस तरह से एक लीटर आपको लिक्विड लेना है और दो लीटर पानी लेना है और सभी प्रकार के पौधों में आप इसको डाल सकती हैं। यदि आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरा हौसला बढ़े। थैंक यू। जय जिनेंद्र। धन्यवाद।